हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। प्रकाशित वाक्य की 20 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यूहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने लिखी है दर्शन के द्वारा। और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। अगर आप इसी तरह पाप कर रहे हो, लगातार पाप करते जा रहे हो, अगर किसी दिन अचानक आपकी मृत्यु हो गई, तो उसको पता है हमें कहां जाना पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु के पास लौट आओ और अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा लो, क्योंकि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा, वह आग की झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। और वहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमको वहाँ बचाने नहीं आएगी। एक लड़की के चक्कर में अपना अनंत काल का जीवन मत खो देना। कल के दिन के विषय में डिंग मत मार, क्योंकि तुम नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होगा। किसी दिन भी तेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस दिन तेरे सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। आज मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी हो जाता है। यीशु ने कहा था कि जब तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यीशु ने अपने वचन में साफ कहा है कि तुम शारीरिक दशा में हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना कभी नहीं सुनूंगा। तुम चाहे जितना राग नाक रगड़ डालो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज मसीही पाप करके यीशु का सिर लज्जित कर देते हैं और शैतान को बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर ऐसे लोगों का जरा भी डर नहीं लग रहा है। परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। जिसके सामने सूर्य चंद्रमा आकाश थरथराते कांपते हैं, मगर ऐसे लोगों को जरा भी डर नहीं लग रहा है। यीशु का कहर से उन्हें शायद ये पता नहीं है, रेप्चर हो जाने के बाद अगर हम यहाँ गलती से रह गए, छूट गए, तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। 7 साल के लिए आपको इसी पृथ्वी पर मसीह विरोधी तड़पाएगा, पानी की जगह खून पीना पड़ेगा, तब परमेश्वर अपना क्रोध भड़काना शुरू कर देगा। प्रकाशित वाक्य 8:8 में लिखा हुआ है, और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक तिहाई लहू हो गया। अगर आप गलती से भी छूट गए, आपको बहुत बुरा हाल होगा, आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। अगर आप गलती से भी छूट गए तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ जाएगी। जब परमेश्वर ने दूत को आज्ञा देगा, कहेगा कि जा अपनी तुरही फूक दे, जो पृथ्वी पर मनुष्य बच गए हैं उन्हें मेरे क्रोध का पता तो चले। जिस नल से आप लोग पानी निकालते उससे खून निकलेगा, तालाबों में झीलों में चारों तरफ खून ही खून नजर आएगा। इसलिए पाप छोड़ दो, लड़कियों को पटाना छोड़ दो, सेक्स वीडियो देखना छोड़ दो, क्योंकि यह शैतान का काम है। क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर ने पहले ही से कर दिया था, उसका न्याय पहले ही से हो चुका है भैया, तो उस नरक में जाएगा ही, क्योंकि उसका न्याय तो पहले ही से कर दिया था परमेश्वर ने। आप क्यों उसके पीछे नरक में जाना चाहते हो पाप करके? भाई बचा लो अपने आप को नरक जाने से, यीशु अभी नहीं आया है, बचा लो, अभी आपके पास पूरा समय है, पूरा समय पूरा अवसर परमेश्वर ने दिया है आपको। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना तो कभी हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? यीशु ने साफ साफ कहा था कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, तमा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मगर आज मेरे मसीह भाई बहनों को वचन तो मालूम होता ही नहीं है, क्योंकि वे सुबह सब अपने गर्लफ्रेंड के फोन में लव यू करते रहते हैं। जब एक मसीह को शैतान पाप में गिराने के लिए जाता है तो वह बड़े आराम से पाप में गिर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वचन न होने के कारण, वचन की गहराई न होने के कारण वह मसीही पाप में गिर जाता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब परमेश्वर न्याय करेगा स्वयं सिंहासन के सामने,
तब आपको वहां डाल दिया जाएगा जहां कीड़े आपके शरीर में काटेंगे और ऊपर से आग जलाएगी। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़की को कैसे पटाया जाता है, क्योंकि वहां की आग एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि युगान युग के लिए हमेशा हमेशा के लिए जलती रहेगी। और जो कहते हैं कि मैं पाप छोड़ नहीं पाता हूं और सेक्स वीडियो देखने की लत पड़ गई है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आप इसी तरह निरंतर लगातार पाप करते रहिए और मरने के बाद सीधा डायरेक्ट नरक में चले जाइए। तब आपको पता चल जाएगा कि लड़की को कैसे पटाया जाता है और सेक्स वीडियो क्या होता है। तब आपको पता चल जाएगा उस नरक की आग में प्रकाशित वाक्य की सदा के 8 वचन में लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंज को और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 11 वचन में लिखा हुआ है, जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाएगा उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। इस वचन में यीशु ने प्रतिज्ञा की है, दूसरी मृत्यु विशेष रूप से उनके लिए है जो यीशु मसीह को इनकार कर देते हैं, इनकार कर दिया है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। अगर आप इसी तरह निरंतर लगातार पाप करते जा रहे हो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए न्याय करके। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब आपको कोई दूसरा सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। इसलिए अभी सभी लोगों से बताया जा रहा है कि पाप मत करो, यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, मगर उसके समझ में नहीं आता है। पाप मत करो मेरे प्रियो, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको वही डाल दिया जाएगा जहां कीड़े आपके शरीर में काटेंगे, ऊपर से आग भी जलाएगी। तब आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस लड़के के चक्कर में अपना अनंत काल का जीवन खो रहे हो, छोड़ दो ये गंदी लते और लौट आओ परमेश्वर के पास अनंत जीवन का, जो परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वायदा किया था अब्राहम और याकूब की संतानों से। मेरे प्रियो, पाप छोड़ दो। क्यों नरक में जाना चाहते हो भाई? वहां एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए और युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा और ऊपर से नरक का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। यीशु ने कहा था, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। वह घड़ी दोपहर की भी और रात की भी और दोपहर की शाम की भी हो सकती है। या छूट मत जाना, या कोई छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समय रहते हुए गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए बिलखते हुए परमेश्वर के पास लौट आइए, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। और यह फायदा मत उठाना कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक।